गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। एनसीईआरटी चैप्टर 8 क्लास 10 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के साथ साथ और भी कई कामों में मदद करता है। तो सबसे पहला सवाल होता है कि ट्रिगोनोमेट्री जो टर्म इस्तेमाल किया गया है वो ट्रिगोनोमेट्री टर्म का क्या अर्थ होता है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द का क्या अर्थ होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में जो लफ्ज लिया गया है वो तीन वर्ड से मिलाकर लिया गया है। एक को ट्राई बोलते हैं, दूसरे को गॉन बोलते हैं, और तीसरे को हम लोग कहते हैं मेट्रॉन, METRON। ट्राई मतलब होता है तीन, गॉन मतलब होता है भुजा, मेट्रॉन मतलब होता है माप। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है कि हम लोग किसी भी ट्राइंगल के भुजा को मापें। क्योंकि हम लोगों को जो सिलेबस दिया गया है इस सिलेबस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं, और समकोण त्रिभुज की अगर बात कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा आपको बताना होगा। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा होती है तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। द फिगर इनक्लोज्ड बाय थ्री साइड्स आर नोन एज ट्राइंगल। तीन भुजाओं से घिरी बल आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। द प्लेन फिगर विच इज इनक्लोज्ड बाय थ्री साइड्स आर नोन एज ट्राइंगल। अब राइडमीटर में किसे बोलते हैं, तो वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी दो अन्य कोण न्यून कोण हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहां हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। समकोण त्रिभुज बना दिया। समकोण त्रिभुज बनाने पर आप देख रहे हैं कि इसमें एक कोण का समकोण होना जरूरी है। तो इसमें तीन साइड्स हुए, तीनों साइड्स का कुछ नाम जरूर होगा। एक साइड कहलाता है हाइपोटेनस, यानी कर्ण, एच से दिखाते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की परिभाषा क्या होगी, कर्ण की परिभाषा क्या होगी। एकदम आसान है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हाइपोटेनस कहते हैं। एंगल बी मेरा 90 है इसलिए एसी कर्ण हो जाएगा और एच से दिखाएंगे। बाकी दो भुजा जो है वो हम लोगों का परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब और आधार होगा। लंब और आधार भी हम लोग त्रिभुज में कोण के मुताबिक कोण के आधार पर परिभाषित करते हैं। तो लंब कहेंगे किसको, लंब का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री को छोड़कर जिस कोण की बात की जाए उस कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब या परपेंडिकुलर कहते हैं। इसे P द्वारा दिखाते हैं। आप ए बी सी में देख रहे हैं कि B मेरा 90 है, 90 को छोड़ दिया, बाकी A और C बचा। तो A और C में C की बात करेंगे तो C के सामने जो होगा वो मेरा परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स ए सी कर्ण एच से दिखाया, एंगल सी के लिए ए बी लंब और पी से दिखाएंगे, क्योंकि ये बात बताई गई है कि 90 डिग्री को छोड़कर जिस कोण की बात की जाए उस कोण के सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं, पी द्वारा दिखाते हैं। अब बचा हमारा आधार, तो आधार की परिभाषा है 90 डिग्री को छोड़कर जिस कोण की बात की जाए वो कोण कर्ण और एक भुजा से मिलकर बनता है, उस भुजा को ही आधार कहा जाता है। आप देखिए सी की बात कर रहे हैं तो सी का फॉर्मेशन एच से
और एक कोई भुजा सो रहा है, तो इसी भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम लोग किसी राइट एंगल ट्रायंगल में न्यून कोण को बदल दें, दैट मीन्स कि पहले हम लोगों का न्यून कोण सी था, अब ए देंगे, तो क्या लंब और आधार वही रहेगा? जी नहीं, क्योंकि लंब और आधार जो है उसको कोण के आधार पर परिभाषित करते हैं। तो जिस कोण की बात की जाए समकोण को छोड़कर, उस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। यहां आप देखिए एंगल ए के सामने कौन है? बी सी। बी सी मेरा लंब हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। ए बी, ए बी मेरा आधार हो गया और ये हो गया मेरा बेस। चूंकि एंगल बी 90 है इसलिए ए सी कर्ण ही होगा, जिसको एच से दिखाएंगे। दैट मीन्स कि जब एंगल बदलता है तो लंब और आधार बदल जाते हैं समकोण एक ही फिगर में, उसी ट्रायंगल्स में। अगर अलग अलग फिगर और ट्रायंगल्स है तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और लंब कर्ण और आधार में पाइथागोरस ने एक खास संबंध बताया है और यह संबंध कहलाता है पाइथागोरीय त्रिक। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दैट मीन्स कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से हम लोग तीन फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, पी बराबर एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर, और बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट ओवर। एच कर्ण को कहते हैं, पी लंब को बोलते हैं और बी आधार बेस को कहते हैं। एक तीन फार्मूला हो गया एक से डिराइव। इसका इस्तेमाल ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में जरूर से इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। कह सकते हैं ये छोटा सा फार्मूला बन गया। अब मामला यह है कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल्स के साइड्स होते हैं, साइड्स को हमने पहचान लिया। लंब कर्ण आधार 90 डिग्री के सामने वाला साइड कर्ण, जिस कोण की बात की जाए उस कोण के सामने वाले साइड्स को परपेंडिकुलर यानी लंब और आधार, तीनों पहचान गए हम लोग। अब ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स के रेशियो को, साइड्स के अनुपात को अलग अलग नाम दिया गया है और इसी अनुपात के आधार पर छह त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बने हैं, जिनको हम लोग साइन कॉस टैन कॉस सेक कॉसेक कहते हैं। अब मामला यह है कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक जो है ये है क्या? तो ये साइड्स के रेशियो है। जैसे हमने लिखा साइन, एंगल होना जरूरी है पी बाई एच, बाकायदे आप कह सकते हैं साइन लंब और कर्ण के अनुपात को बोलते हैं। कॉस बी बाई एच, टैन पी बाई बी, कॉट बी बाई पी, सेक एच बाई बी, कोसेक एच बाई पी, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। पी बाई एच लंब बटे कर्ण, परिभाषा साइन, साइन क्या होता है? लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। उसी तरह टैन को क्या बोलेंगे? लंब और आधार के अनुपात को टैन बोलते हैं। सेक कर्ण और आधार के अनुपात को सेक कहते हैं। आमतौर पर यहां पर जो टर्म लिए गए हैं ये सब शॉर्ट फॉर्म है। साइन का पूरा नाम होता है एस आई एन ई साइन, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, टैन का पूरा नाम होता है टैंजेंट, कोट का पूरा नाम होता है कोटैंजेंट, सेक का सेकेंड और कोसेक का कोसेकेंड। ये पूरा नाम हुआ, जरूरत के पास हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये हम लोग साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अब मामला ये है कि इसका इसके साथ क्या मतलब है?
मान लिया जाए कि अगर हम आपको एक सवाल दिया, इसको नोट कर लेना है और याद कर लेना है ताकि आपको साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक के रेशियोज मालूम है, राइट एंगल ट्रायंगल में आसानी से आप बता दीजिएगा। अब हम आपको एक फिगर दे रहे हैं, यहाँ एक फिगर बनाया ए बी सी और सी को इंडिकेट कर रहे हैं, तो आपको फिगर देख के बताना होगा कि कर्ण कौन है, 90 के सामने वाला कर्ण सी के लिए लंब कौन है तो, और आधार कौन है। अब आपसे पूछेंगे साइन सी बताइए, आप कहेगा पी बाई एच होता है, तो एक और इस फिगर के लिए पी कौन है ए बी, एच कौन है ए सी। अब आपसे कहा जाएगा कॉस बताइए, तो कॉस का जनरल फॉर्मूला पी बाई एच, आधार बटे कर्ण, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फिगर बी सी बाई ए सी, टैन के लिए P by B, तो इस फिगर में परपेंडिकुलर यानी लंब आपका ए बी है और बेस आपका बी सी है। इस तरीके से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब इसी फिगर में हम एंगल बदल रहे हैं, यहां कैमरे में नजर आ गया ए बी सी, और आप बड़ी आसानी से देखिएगा कि हम एंगल ए की बात कर दिया है, तो पहले B तो 90 है, 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया यानी AC H हो जाएगा, सॉरी 90 के सामने वाला आपका कर्ण हो जाएगा यानी AC आपका H हो गया, और एंगल A के लिए आपका BC क्या हो गया परपेंडिकुलर, परिभाषा में कहा था जिस एंगल की बात की जाए उस एंगल के सामने वाले साइड्स को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तब आपसे पूछेंगे साइन A बताइए, आप कहिएगा P बाई एच ही होता है, लेकिन यहां P आपका BC है और H आपका AC। उसके बाद कॉस ए बताइए बी बाई एच, यहां आपका बी ए बी है और एच आपका एसी है। टेन आपका हो गया पी बाई बी, यहां आपका पी बी सी है और बी आपका ए बी है। तो आप बहुत गौर से इसको मिलाइएगा इन दोनों को, तो बड़ी तुरंत से आपको नजर आएगा कि एंगल को बदल दिया गया है तो इसके रेशियो भी बदल गए हैं, यानी साइन ए कॉस सी के बराबर आ रहा है, बी सी बाई ए सी बी सी बाई ए सी, कॉस ए साइन सी के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एंगल के बदलने से रेशियो बदल जाते हैं। अब मामला ये आया कि पाइथागोरस को हम लोग इसमें कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो जरा देखा जाए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक सवाल दिया गया लाइक दिस, टेन थीटा बराबर फोर बाई थ्री, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप बताइए कि टैन का रेशियो क्या होता है, तो आप फार्मूला देख के बता दिया पी बाई बी, इससे क्या पता चला कि पी हम लोगों का चार, बी हम लोगों का तीन, चूंकि यहां रेशियो की बात की गई है इसलिए रेशियो में रेशियो कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनुपातिकता ज्ञातांक, और इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं एक्स मान लिया यानी चार एक्स और तीन एक्स, इसमें क्या नहीं मालूम है एच नहीं मालूम है, एच नहीं मालूम है, तो आप एच निकालिएगा यहां पास। एच का फॉर्मूला आप देख रहे हैं एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच बराबर आप लिखिएगा फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी और बी का वैल्यू आप पुट कीजिएगा चार का स्क्वायर प्लस तीन एक्स का होल स्क्वायर, फोर फोर सिक्सटीन, सोलह एक्स स्क्वायर, तीन के नौ एक्स स्क्वायर, सोलह नौ पच्चीस एक्स स्क्वायर का वैल्यू पांच एक्स, यानी
पांच ऐसा गया। अब आपको सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात करना है, यानी टैन छोड़ के बाकी सब। तो पांच क्या क्या था? साइन, कॉस, टैन छोड़ के सब, कॉट, सेक, कोसेक। साइन का रेशियो आप देख के बोल लीजिएगा पी बाई एच, अभी याद नहीं हुआ याद कर लीजिएगा। पी कितना है? चार एक्स। एच कितना लाया? पांच एक्स। एक्स एक्स खत्म, चार बटे पांच। कॉस का रेशियो क्या होता है? बी बाई एच। बी कितना है? तीन एक्स। ये कितना लाया? पांच एक्स। एक्स एक्स खत्म, तीन बटे पांच। कॉट बराबर बी बाई पी, तीन एक्स बटे चार एक्स, एक्स एक्स खत्म, तीन बटे चार। सेक बराबर एच बाई पी, पांच एक्स बटे तीन एक्स, फाइव बाई थ्री। कोसेक बराबर एच बाई पी, फाइव एक्स बाई फोर एक्स, एक्स एक्स खत्म, फाइव बाई फोर। लिखा गया एग्जामिनेशन में पूछता है, दो नंबर में आसानी से आप बना लीजिएगा, कोई थोड़ी बात नहीं है। ये फार्मूला हुआ और ये उसके निकालने का कायदा हुआ। जिस नंबर का स्क्वायर रूट बाहर आएगा उसको स्क्वायर के बाहर लिखेंगे, और जिस नंबर का स्क्वायर रूट बाहर नहीं आएगा उसको स्क्वायर में ही छोड़ देंगे हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। रेशियो कॉन्स्टेंट लिख देना ज्यादा अच्छी बात है, कोई लोग नहीं लिखते हैं तो कोई इसमें परेशानी का मामला नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए ताकि परिभाषा को फुलफिल करें, क्योंकि परिभाषा होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज नोन एज साइन। लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं, साइन को हिंदी में जया कहा जाता है, जा या आधा की मात्रा, आधा जा होगा। तो रेशियो के लिए रेशियो कांस्टेंट होना जरूरी है। अब मामला यहां पर यह आया, अगर एक ही सवाल में एंगल बदल दे तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जिस एंगल की बात की जाएगी उस एंगल के मुताबिक हम लोग काम करेंगे। जैसे आपको किताब में एक सवाल दिया गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है, हम बना दे रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन होगा, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, समकोण है ए बी 24, बी सी 7, ए बी 24, बी सी 7, ये सेंटीमीटर में। तो हम लोगों को साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकालना है, ए के लिए अलग सी के लिए अलग। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहां जो दिया गया है ए बी और बी सी, आप आसानी से यहां देख रहे हैं कि 90 के सामने वाला साइड नहीं मालूम है, और 90 के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, यानी एच निकालना है। यहां लिखिएगा ए सी बराबर कर्ण इज इक्वल टू नहीं मालूम, एंगल सी के लिए हम पहले इंडिकेट कर रहे हैं बाबू। तो सी के लिए ए बी बराबर परपेंडिकुलर बराबर 24 और बी सी बराबर बेस इज इक्वल टू 7, एच का फॉर्मूला बताइए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सात चौबीस का स्क्वायर 576, सात का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ दिया 625, 25 के लिए आता है। अब यहां रेशियो इसलिए लेंगे क्योंकि यहां पे अलग अलग साइड से इसे रेशियो कौन सा नहीं माना है, तब एच मालूम हो गया। अब साइन सी पी बाई एच, सी के लिए पी कौन है? ए बी, ए बी बाई ए सी, कॉस सी बी बाई एच, बी सी बाई ए सी। उसके बाद एंगल ए के लिए, ए के लिए अगर बात करें तो बी सी बराबर परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी बराबर बेस हो जाएगा, इसलिए
साइन ए का फॉर्मूला जो है पी बाई एच ए नहीं बदलता है, चाहे ए हो बी हो सी हो थीटा हो बीटा हो गामा, पी बाई एच नहीं बदलेगा। एंगल तो फिगर में दिए गए साइड्स को इंडिकेट के लिए होता है, यानी साइन ए बराबर पी बाई एच, इसके लिए पी कौन है मेरा सात, सात बटे चौबीस, सॉरी सात बटे पच्चीस, ये हो गया चौबीस बटे पच्चीस। अब एच हम लोगों का ऐसी है, अब बताइए साइन ए के लिए पी कौन है, साइन ए के लिए पी बी सी एच, यानी देंगे बी सी बाई ए सी, इसके लिए पी कौन है ए बी। सिमिलरली आप यहां वैल्यू पुट कीजिए तो ए बी कितना है, ए बी चौबीस बटे पच्चीस, सात बटे पच्चीस। तो इसी तरीके से आपका एक्सरसाइज 8.1 बन जाएगा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको मैसेज करिएगा, हम उसको डील कर देंगे। थैंक यू।